Champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is #Vinay Special. I'm your personal auxiliary Vinay Panik. यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड दिया गया है यहाँ पर केरला उपकार न मानना। जब भी ऐसा कोई इंसान रहता है जो आपका आपने उसके लिए कितना ही क्यों ना अच्छा किया हो पर वो आपके उपकार को नहीं मानता है, वो आपको बाद में वही करता है जो आपको बुरा लगता हो, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। जैसे मेरे घर पे मेरी डॉग है, वो हमेशा उसको कितना भी प्यार करो, कितना भी कुछ भी करो, वो मुझे काट ही देती है फाइनली, तो वो कृतज्ञ है। यस और नो, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए वो अपने उपकार को कभी मानती नहीं है, दूसरों के करे हुए उपकार को कभी मानती नहीं है, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ऑलराइट। और अगर कोई उपकार मान रहा है, कोई उपकार अगर मानता है तो उसको बोलेंगे कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। ऑलराइट। कृतज्ञ जो नहीं मानता है, कृतज्ञ जो मानता है। देवाचे अस्तित्व मानणारी व्यक्ति, जो देव है, ऊपर वाला है, ऐसा मानता है, उसको आप क्या बोलोगे? आस्तिक बोलोगे। क्या बोलोगे? आस्तिक। जो नहीं मानता उसको क्या बोलोगे आप? हाँ, इजी है, नास्तिक बोलोगे। क्या बोलोगे? नास्तिक। ऑलराइट। आई होप आपको ये इजीली समझ में आया रहेगा क्वेश्चन, एंड इसी के साथ में हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। कविता पढ़नारा पुरुष, जो कविता लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं कवि। क्या बोलते हैं? कवि। और जो कविता लिखती है उस स्त्री को हम लोग बोलते हैं कवित्री। क्या बोलते हैं? कवित्री। इसको बोलते हैं पोएट, इसको बोलते हैं पोइटिस। यस और नो। आस्तिक का मतलब होता है बिलीवर, नास्तिक का मतलब होता है एथिस्ट। कृतज्ञ और कृतज्ञ का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है इन इंग्लिश। कृतज्ञ मतलब I cannot find out the word right now in my mind, but if you know that, please let me know by writing it down in the comment section. All right. भाषण देने वाला व्यक्ति जो भाषण देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता। क्या बोलते हैं? वक्ता। ऑलराइट। और जो भाषण देता है उसको वक्ता बोलते हैं। सुनने वाले को क्या बोलेंगे? श्रोता। सुनने वाला कौन रहेगा? श्रोता, जिसका मतलब होता है ऑडियंस। ऑलराइट। दररोज प्रसिद्ध होने वाला, जो डेली प्रसिद्ध होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, उसको बोलते हैं दैनिक। उसको क्या बोलते हैं? दैनिक। हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाले को आप बोलोगे पारवलंबी। क्या बोलेंगे? पारवलंबी। ओके, इसको बोलते हैं पारवलंबी। किसको बोलते हैं? यस, जो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ऑलराइट। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देवाचा अस्तित्व न मानने व्यक्ति। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? आ रहा है ना? ये जिसको भगवान पे, ऊपर वाले पे भरोसा नहीं हो उसको बोलेंगे नास्तिक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवड आठवड्यात। क्या लिखा है यहाँ पर? आठवड्यात एकदा प्रसिद्ध होने को बोलेंगे हम लोग आ। वेरी गुड। एक हफ्ते में जो प्रसिद्ध होगा उसको क्या बोलेंगे? साप्ताहिक। यस और नो। बिग बॉस का साप्ताहिक कार्य। प्लीज प्रे करो मेरे लिए कि मैं बिग बॉस में चले जाऊं। मैन, दैट इज माय बिगेस्ट ड्रीम। आई होप कि मेरे पूरे टैलेंट को मैं वापस जाके दिखा सकता हूँ। एंड आई एम अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ बिलीवर, आई एम ऑल्सो अ ड्रीमर, आई एम एवरीथिंग, सो आई रियली फील दैट आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। काश मैं आपको कैमरे में मेरे इमोशंस दिखा पाता, बट कैमरा उल्टा है अभी। महीने एकदा प्रसिद्ध होना रहा, महीने में जो एक बार प्रसिद्ध होगा उसको हम लोग बोलेंगे मासिक। जो वन मंथ में सिर्फ एक बार ही प्रसिद्ध होता है उसको हम लोग बोलेंगे मासिक। मंथली जैसे मैगजीन आती है, आई होप आप मैगजीन पढ़ते होंगे। माय फेवरेट मैगजीन इज वोग मैगजीन, because I believe in women empowerment, so I love reading Vogue magazine. I love reading about new women who scales new height every now and then. So जो मंथ में एक बार प्रसिद्ध होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मासिक। I hope ये 10 words आपको क्लियरली समझ में आए रहेंगे, and इसी के साथ में This is how we have really worked out a bit harder. Champions को कब तक मिले तो लो ना। और उसी के थ्रू आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर लो ना। ऑलराइट, विद दैट आल्सो मेक श्योर दैट यू जस्ट गिविंग अ बिग फैट थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड, एंड आल्सो विद दैट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल if not already, and also with that comment down and tell me how was this video. Thank you so much.